राम मंदिर के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मामला बढ़ता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज यानी 5 फरवरी को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मस्जिद के वजू खाने के वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे की मांग वाली अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई करेगा। बेंच इस मामले में 3 पहलुओं पर विचार करेगी। बता दें कि मछलियों के मरने से गंदे हुए वजू खाने के टैंक की सफाई की याचिका जो अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी उस पर अमल हो गया है या नहीं। हिंदू पक्ष के मुकदमे के सुनवाई योग्य न होने को लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका और वजू खाने की सील खोलकर उसका भी वैज्ञानिक सर्वे करवाए जाने की मांग, इन तीनों याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, वो भी शिवलिंग जैसी रचना को नुकसान पहुंचाए बिना शामिल है। हालांकि यह कोर्ट पर निर्भर है कि वह किस क्रम में मामले को सुनेगा। अगर कोर्ट वजू खाने की सर्वे की मांग को सुनना चाहेगा तो इस पर इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कह सकता है। तो वहीं इसके अलावा कोर्ट एएसआई से सर्वे कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में ज्ञानवापी की इमारत के नीचे मौजूद 10 तहखानों की भारतीय पुरातत्व यानी एएसआई से सर्वे करवाने की मांग पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में मौजूद जिन खंभों का एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, याचिका में उनका सर्वे करवाने की भी मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले वाराणसी जिला अदालत की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी गई थी। जिला अदालत के आदेश के बाद तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है जिसे देखने के लिए लंबी लाइनें भी लग रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इसका प्रबंध कर रहे हैं। फिलहाल श्रद्धालु परिसर की सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स के पास से एक झरोखे यानी खिड़की से तहखाने को देख सकते हैं। तो वहीं आज ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या फिर से एक बार सर्वे होगी और क्या एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद ध्वस्त हो जाएगा और वहां पे शंकर भगवान पधारेंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भगवान जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने पूजा करने जरूर जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो? देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग प्वाइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे सारा समय के साथ। इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।